अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोला और पूड़ी। तो मैं किचन में आई हूँ, तो मेरी बेटी मैगी जा रही है बनाने, ट्यूशन से आई है, तो इन लोग का कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मेरी बेटी मैगी बना रही है अपने लिए और अपने भाइयों के लिए। और मैं यहाँ छोला कुकर में डाल रही हूँ। आज छोला पूड़ी में मेरे घर पर बनेगा। तो छोले को मैंने धुल के साफ करके कुकर में डाल दिया है। ये एक चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दिया है मैंने, और ये बेकिंग सोडा मैंने डाला हुआ है। और इसमें ये मेरे फ्रिज में रखा हुआ था भुट्टा मैंने लिया था, ये रख के मैं भूल गई थी, तो बाद में याद आया तो मैंने कहा कुकर में फंसाने से क्या फ़ायदा है, इसका जो सोडा इसमें डाला है उससे ये भी फूल जाएगा, गल जाएगा, और नमक और मिर्च का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा, तो ये भी साथ में उबाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैगी के इंतज़ार में ये सबसे छोटा बेटा भी परेशान है अंदर आने के लिए किचन में। और यहाँ दूध रखा हुआ है और ये मैगी बना रही हैं। गैस खाली नहीं है तो मैं भी किचन में हूँ कि कहीं बच्चे जल ना जाएँ, इसलिए मैं किचन में खड़ी हूँ, देख रही हूँ कि कैसे बना रही है। तो मैं इसको गर्म है तो इसलिए मैं इसको चला देती हूँ, मैगी को मसाले को मिक्स कर देती हूँ। तो ये हो गया है मैगी, 2 मिनट की मैगी। अब ये मेरी बेटी अलिशबा कुकर को गैस पे रख रही है। इसमें मैंने दिन में दाल बनाया था कुकर में, तो धुल के साफ करके मैं छोला उबाल रही हूँ इसमें। ये मैगी तैयार है, अब इसको बच्चों के लिए मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। ये सारा मैंने निकाल दिया है प्लेट में, और पतीले में जो है वो छोटे बेटे को खिला दूंगी। और मेरा छोला में भी सीटी लग गया है, सोडा डाला हुआ था तो ज़्यादा देर तक गलाना नहीं था क्योंकि सब मैश हो जाता। ये भुट्टा भी मेरा एकदम गल गया है और मेरा ये छोला भी गल चुका है। देखिए बिल्कुल एकदम आलू की तरह हो गया है। और यहाँ मैंने फ्राई पैन रख लिया है, कढ़ाई, जिसमें मैंने दिखाना भूल गई, जीरा थोड़ा सा लिया है मैंने, सौंफ लिया है, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और जीरा लिया है, बड़ी और लौंग लिया है, हाँ, और प्याज को मैंने ये डाल दिया तेल में, सारे मसालों को, फिर प्याज डाल दिया है और ये लहसुन डाल दिया है मैंने। अब प्याज के साथ मसाले के साथ इसको मैं ब्राउन कर लूँगी लहसुन को। प्याज मेरा ब्राउन हो गया है, अब इसको मैं मसाले को डाल देती हूँ। ये हल्दी है, ये जीरा पाउडर है, लाल मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है और कश्मीरी लाल मिर्च है, ये मैंने मसाले में डाल दिया है। प्याज में मसाला डाल दिया है और इसकी मैं भुनाई कर लूँगी मसाले को बिना पानी डाले। फिर मैंने ये 3 टमाटर था मेरे पास छोटा छोटा, जो इसी चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था। प्याज भी इसी चॉप में मैंने चॉप किया है बारीक, और टमाटर भी इसी में चॉप किया है। बहुत अच्छा ये काम का रहता है चॉपर, इसमें प्याज डाल के बारीक बारीक चॉप हो जाता है। ये तो चॉपर सबके घर में होता है। और थोड़ा सा पानी चॉप में लगा था तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ मसाले में। अब मसाले को मैं ढक देती हूँ, नहीं इसमें मैं धनिया डालना भूल गई थी, मैं धनिया डाल देती हूँ, 1.5 चम्मच मैंने धनिया डाला है। बाद में मुझे याद आया कि धनिया मैंने नहीं डाला, धनिया मैंने डाल दिया है, ये 1.5 चम्मच धनिया डाल दिया है। फिर इसको मिक्स कर देती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करो। इसको मैंने ढक दिया है, ढकने के बाद मैंने थोड़ी देर के बाद इसको खोला है, तो देखो मसाला मेरा हो गया है, तेल ऊपर आ रहे हैं।
और सब मसाले मेरे मिक्स हो गए हैं, सब सेट हो गया है। अब इस छोले को मैं इसमें मसाले में डाल देती हूँ। देखिए बिल्कुल गला हुआ है, निकाल कर मैंने पानी में से अलग करके रख लिया था। अब ये मसाले में मैं डाल देती हूँ छोले को, और इसको छोले को डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। मसाला और छोला एक साथ में सब मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। खूब अच्छी तरीके से मिला दो। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाला हुआ है कि जले ना, नीचे से पकड़े ना कढ़ाई, और स्लो करके मैंने इसको ढक दिया है। ढकने बाद मैंने इसको खोला तो ये मेरा छोला हो गया था। ज़्यादा इसको भूनना नहीं था क्योंकि ये चना बिल्कुल गल गया था छोला, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है अपने हिसाब से, जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने डाल दिया है पानी, क्योंकि ये गाढ़ा होगा। अब तेज पत्ते की ज़रूरत नहीं है, तेज पत्ता मैंने निकाल कर फेंक दिया है। तेज पत्ते का फ्लेवर जितना चाहिए था उतना आ गया है। अब ये मैं छोला मसाला डाल रही हूँ। अब छोला पकने लगा है ना, तो पकने के टाइम मैं इसको मसाले को डाल देती हूँ, क्योंकि पहले नहीं डालना है, इसकी खुशबू निकल जाती है। जब छोला हो जाए एकदम खूब बढ़िया से, लास्ट स्टेज जब चले, पानी लगा के पकाना हो थोड़ा सा, तब छोले मसाला मैंने डाल दिया। पूरे घर में मेरे खुशबू फैली हुई है। जिसको नहीं पता होगा वो उसे भी पता चल जाएगा कि आज मैं छोला पूड़ी बना रही हूँ। बच्चे जो नीचे थे वो आके बोल रहे हैं, अम्मी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अम्मी क्या बना रही हो, अम्मी क्या बना रही हो। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूँगी, क्योंकि पकने के बाद जब ये ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा थिक मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसका सालन मुझे चाहिए। फिर इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्च काट कर डाल दिया है, और एक नींबू का रस, बड़ा सा नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि खट्टा तीखा और नमक सब तीनों चीज़ बराबर होना चाहिए। नमक मैंने चखा था तो नमक मुझे कम लगा, तो नमक भी मैंने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। खट्टा तीखा और नमक सब बराबर होना चाहिए, तो बहुत लाजवाब बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। और आटा मैंने लगा लिया है, आटे का मैं ऐसे ही बिल्कुल सादा सा पूड़ी बनाऊंगी। आटा मेरा ये है, और इसका सादा सा सिर्फ पूड़ी बनाऊंगी। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।